दोस्तों, जब हम किसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे होते हैं, चाहे उसे हम किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहे हैं या फिर उसकी अकाउंटिंग हम मैनुअल रूप से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भी जाने अनजाने हम हमारे से गलतियां हो जाती है, यानी कि हम गलत एंट्री कर बैठते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी नहीं है भी जो गलतियां होती है वो हमेशा मैनुअल अकाउंटिंग में ही होती है, ये आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी गलतियां हो सकती है। तो दोस्तों, उसका पता हमें तब चलता है, यानी कि जिसके लेजर में हमने गलत एंट्री पोस्ट कर दी, और जब हम उस कस्टमर के साथ या उस सप्लायर्स के साथ हम अकाउंट स्टेटमेंट की मिलान करते हैं, तब हमें पता चलता है भी ये गलती हो गई है। यानी कि जब भी हम उस पार्टी के साथ मिलान करेंगे तो हमारे जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसमें डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों, जो भी डिफरेंस आएगा तो हमें इस बात का पता करना होता है कि ये जो गलती हुई है, डिफरेंस आने का जो कारण है, उसकी गलती हमारी तरफ से हुई है या फिर ये सप्लायर की तरफ से हुई है। तो दोस्तों, अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो, टैली और अकाउंट्स को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो, अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सारी बातें प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं कि अगर जब भी हम पार्टी के साथ स्टेटमेंट की मिलान करेंगे तो स्टेटमेंट की मिलान किस तरीके से करी जाती है, अगर कोई गलती रह जाए तो उसकी पहचान हम किस तरीके से करते हैं, भी गलती हमारे लेवल से हुई है या सप्लायर की तरफ से हुई है। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देख लेना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको खुद ये जरूर लगेगा कि आज की इस वीडियो से हमने कुछ नया जरूर सीखा है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ दोस्तों अभी कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके के प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं, तो जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, हम हमारी कंपनी में एक हमारे पास सप्लायर्स है जिसका नाम है श्याम ब्रदर्स। हम पूरे साल में श्याम ब्रदर्स के साथ हमने कुछ ट्रांजेक्शन हमने करी है, और जब जो भी ट्रांजेक्शन हमने करी है तो उसकी स्टेटमेंट हमने हमारे सप्लायर्स को बोला भी जो हमने आपके साथ लेन देन किया, यानी कि जितना माल हमने आज तक आपसे परचेज किया है और जितनी पेमेंट हम आपको कर चुके हैं उसकी स्टेटमेंट आप हमें भेजिए। तो पार्टी की तरफ से हमें ये एक स्टेटमेंट मिली है। दोस्तों, हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं और जो हमारा सप्लायर्स है वो मैनुअल बुक्स मेंटेन करता है, तो उसने इस तरीके का एक लेजर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन किया हुआ है। तो हमारी कंपनी का जो नाम है वो स्मार्ट एंटरप्राइजेज है, तो वो स्मार्ट एंटरप्राइजेज के नाम से उसने एक लेजर मेंटेन किया हुआ है, और हमने हमारी बुक्स में भी श्याम ब्रदर्स के नाम से लेजर हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, ट्रांजेक्शन भी उसमें करी हुई है। तो इसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे, और हम यहाँ पर श्याम ब्रदर्स का जो लेजर है उसका ओपन करेंगे। दोस्तों, अब जो ट्रांजेक्शन हमने परचेज किया है, जो पार्टी को हमने पेमेंट करी है, उसकी सारी ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर नोट करके रखी हुई है, और अब हम इसका मिलान करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम मिलान करेंगे भी हमारा क्रेडिट साइड होगा तो सामने वाली पार्टी का जो डेबिट साइड रहेगा। अब जैसे कि हमने श्याम ब्रदर्स से ये 1 मार्च 2021 को ये गुड्स परचेज हमने किए और जिसकी वैल्यू है 12,298 रुपये और 24 पैसे, और जब हम पार्टी की स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा भी पार्टी ने भी 12,298 रुपये हमारे अकाउंट में डेबिट किया हुआ है, और ये इसने यहाँ पर इसका बिल नंबर भी लिखा हुआ है, बिल नंबर 55414, और यही हमने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है 55414 नंबर, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये बिल्कुल हमारी सही है। दोस्तों, अभी मैनुअल काउंट्स अगर होता तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं पेन से पेंसिल से, लेकिन टेली में इसको टिक मार्क करने के लिए आप जिस लाइन पर जाओगे उसको आप स्पेस बार दबा दीजिए। जैसे हम स्पेस दबाएंगे तो ये जो लाइन है ये हाईलाइट हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से आपको नजर आएगी हाईलाइट हुई है। अब ये इस तरीके से हाईलाइट नजर आएगी तो इसका मतलब ये जो एंट्री है ये हमारी टेली हो चुकी है पार्टी के स्टेटमेंट के साथ में। उसके बाद जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारी, हमने पार्टी को पेमेंट करी हुई है 5,000 की, जिसका रिसिप्ट नंबर हमें मिला था 65213 का, तो स्टेटमेंट के साथ मैच करेंगे तो ये पार्टी ने भी हमारे 5,000 है जो क्रेडिट कर रखी है, और 65213 का रिसिप्ट नंबर भी लिखा हुआ है इसके पर्टिकुलर में या नरेशन में बोल सकते हैं। तो उसके बाद में जो थर्ड ट्रांजेक्शन है, यानी कि ये हमने परचेज करी हुई है, यानी कि अब ये भी ट्रांजेक्शन 5,000 की भी मैच हो चुकी है, तो हम इस पर भी स्पेस बार करेंगे तो ये भी हाईलाइट हो जाएगी, और उसके बाद में ये 28,683 रुपये का हमने सामान परचेज किया है और इसका इन्वॉइस नंबर हमें मिला है 55718। तो हम स्टेटमेंट देखेंगे तो ये भी आप देख रहे हो 55718 नंबर इन्वॉइस है, और
और 28,683 रुपये से डेबिट किया हुआ है। और उसके बाद में हमने पार्टी को पेमेंट करी है यहाँ पे 1,000 रुपये की, और इसका रिसिप्ट नंबर हमें मिला है 6521, और 1,000 रुपये की अमाउंट है। तो अब यहाँ पर भी देख रहे हो भाई, पार्टी ने भी हमारे 1,000 रुपये क्रेडिट करके रखे हुए हैं, और ये 6521 का रिसिप्ट नंबर भी आ रहा है, यानी कि ये एंट्री है ये वो भी हमारे साथ यहाँ पर टैली हो चुकी है। और उसके बाद में 1-2 मार्च को भी हमने 1,000 रुपये की पेमेंट करी हुई है, उसका 1354 है जो रिसिप्ट का नंबर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और उसके बाद में ये 10,000 रुपये की अमाउंट है, और यानी कि इसका जो रिसिप्ट नंबर हमने पार्टी को पेमेंट करी तो 6541 हमें रिसिप्ट नंबर मिला है, और 10,000 रुपये की ये अमाउंट है। तो स्टेटमेंट में भी आपको ये मिलेगी, 10,000 रुपये पार्टी ने हमारे क्रेडिट किए हुए हैं, और 6541, यानी कि अब जो इशू रह गया है ये ट्रांजेक्शन भी हमारी मिल गई। अब यानी कि इसमें एक ऐसी ट्रांजेक्शन है 1,000 की जो हाईलाइटेड नहीं है। अगर हम क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो अब ये श्याम ब्रदर्स अपने जो बुक्स में अपने लेजर के हिसाब से ये बोल रहे हैं भी हमें 24,981 रुपये आपसे लेने हैं, यानी कि उसने हमारा डेबिट बैलेंस निकाला हुआ है। और हमने हमारी बुक्स में अगर बात करें तो इसका जो बैलेंस हमने 23,981 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस निकाला, भी हमारी कंपनी की तरफ से तो ये बोला जा रहा है भी हमने श्याम ब्रदर्स को 23,981 रुपये देने हैं, और जबकि स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं भी हमें आपसे 24,981 रुपये लेने हैं, यानी कि 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है पूरा पूरा। अब वो 1,000 रुपये का डिफरेंस यही है भी हमने यहाँ पर 1,000 रुपये की 2 बार पेमेंट हमारे बुक्स में लिखी हुई है, जबकि सामने वाली पार्टी की स्टेटमेंट की तरफ से ये 1,000 रुपये की केवल एक ही अमाउंट आपको शो हो रही है, और यही 1,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों अब इस बात का हमें पता करना है भी ये जो 1,000 रुपये की जो गलती वो हमारी तरफ से हुई है या फिर श्याम ब्रदर्स यानी कि हमारे सप्लायर की तरफ से हुई है। इसका दोस्तों वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने जो भी आपने पेमेंट करी है तो इसकी रिसिप्ट नंबर परचेज किया है उसका वाउचर नंबर इनवॉइस नंबर आपके पास होगा, तो सबसे पहले एक बार उनको जरूर देख लीजिए भी आपके पास सारे जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन है या नहीं है। ठीक है, अगर आपने मेंटेन कर लिया और ये 1,000 रुपये की जो अमाउंट है दोस्तों, तो पहली बात तो आपको यहीं से पता चल जाएगा भी ये 1,000 रुपये की जो एंट्री आपने कर रखी है ये वाली, ये गलत कर रखी है। अब कैसे कर रखी है इस बात का पता लगाने के लिए दोस्तों आपको यहीं से पता चल जाएगा भी जो सामने वाली पार्टी की जो रिसिप्ट नंबर की जो सीरीज चल रही है। अब देखो, हमने इस पार्टी को 1 मार्च को पेमेंट करी थी 5,000 की, और इस पार्टी ने हमें रिसिप्ट नंबर दिया था 6521 3। उसके बाद में हमने फिर 1,000 रुपये की पेमेंट करी ये वाली, और उसके अगेंस्ट में हमें ये रिसिप्ट नंबर मिला 6521 का। और उसके बाद में जो 1,000 रुपये की एंट्री कर रखी है इसका जो वाउचर नंबर आप जो देख रहे हो वो 1354 है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया भी ये जो वाउचर नंबर की रिसिप्ट नंबर की जो सीरीज चल रही है ये बिल्कुल गलत हो गई यहाँ पे, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि उसके बाद में जो भी हमने 10,000 रुपये की पेमेंट करी है उसका रिसिप्ट नंबर हमें मिला है 6514, यानी कि ये 6-5 वाली सीरीज है जो श्याम ब्रदर्स की कंटिन्यू चल रही है, और ये बीच में 1345 है जो अलग से ही शो हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया भी ये जो पेमेंट है ये हमने किसी और पार्टी को पेमेंट करी है, और जल्दबाजी में हमने श्याम ब्रदर्स के खाते में इसकी एंट्री पोस्ट कर दी। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी बड़ी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो वहां पर सेम नाम के मिलते जुलते नाम की कंपनी मिलते जुलते नाम के कस्टमर बहुत सारे होते हैं, तो हम जल्दबाजी के अंदर उसको सिलेक्ट नहीं कर पाते ध्यान से न देखने की वजह से। अब मान लीजिए जैसे कि हमारे पास ये जो श्याम ब्रदर्स है, अब ये श्याम ब्रदर्स का लेजर है, अब हो सकता है श्याम ब्रदर्स के इसके जैसी कंपनी हम 2-3 कंपनी और उनके साथ भी हम डील कर रहे हैं, और ये जो पेमेंट हमने करी है किसी दूसरे श्याम ब्रदर्स के करी है, या फिर उसका नाम श्याम इंटरप्राइजेस हो सकता है, श्याम ट्रेडिंग कंपनी हो सकता है, लेकिन हमने जल्दबाजी के अंदर श्याम टाइप किया और पहले में श्याम ब्रदर्स का नाम आ गया, और जल्दबाजी में हमने इंटरप्राइज करके उसके खाते में एंट्री पोस्टिंग कर दी। तो दोस्तों इस तरीके की गलतियां हो सकती हैं, ये आपको यहां से सीरीज के नंबर से ही पता चल जाएगी, क्योंकि सीरीज कभी एक बार जो कंटिन्यू चल रही है बीच में कभी चेंज नहीं हो सकती। अब आपको जो भी पेमेंट मिलेगी 6-5 है, अब जैसे 6-5414 है तो ये सीरीज कंप्लीट होगी, तो आपको ये 6-6 की सीरीज के साथ की जो रिसिप्ट मिलनी शुरू होगी, न कि 1354, यानी कि इसके सीरीज का जो पहले की जो वाउचर नंबर है ये आपको नहीं मिलेगा।
तो इसका मतलब ये हो गया, अब ये जो एंट्री हमने करी है ये गलत कर दी, ये जो पेमेंट है हमने किसी और पार्टी को पेमेंट करनी थी, जल्दबाजी में श्याम ब्रदर्स के खाते में पेमेंट कर दी, यानी कि ये जो गलती है वो हमारे एंड पे हुई है, हमारी तरफ से हुई है। और जैसे ही हम इस एंट्री को किसी दूसरे के खाते में यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, अब मान लीजिए आपके पास कोई श्याम ट्रेडिंग का, अब जैसे कि श्याम ट्रेडिंग कंपनी है, अब श्याम ट्रेडिंग कंपनी का पार्टी को जो पेमेंट करनी है हमने श्याम ट्रेडिंग को करनी थी, जबकि पहला नाम आ गया था यहाँ पर श्याम ब्रदर्स का, तो जल्दबाजी हमने श्याम ब्रदर्स को कर दी, तो जबकि ये श्याम ट्रेडिंग कंपनी के पेमेंट थी, तो हम इसको यहीं से श्याम ट्रेडिंग कंपनी के खाते में इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे ट्रांसफर करेंगे तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो श्याम ब्रदर्स के अकाउंट में से हट जाएगी, और अब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 24,981 रुपये हमारी बुक्स में आ गए, भी हम 24,981 रुपये पार्टी को पेमेंट करनी है, और इसके पार्टी में भी सेम यही बैलेंस आ रहा है भी हमें आपसे 24,981 रुपये लेने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम हमारे पार्टी के साथ, हमारे कस्टमर के साथ अकाउंट स्टेटमेंट की मिलान करके पता कर सकते हैं जो गलती है वो किस तरफ से हुई है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना, और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ वो भी अभी कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।